तस्वीरें देखकर आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुर्गा बनाकर किसी जुर्म की सजा दी जा रही है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल अमेठी जनपद के मुंशीगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ लोग एक साइकिल चुराने की फिराक में थे, लेकिन ये लोग साइकिल चुरा पाते इससे पहले ही साइकिल के मालिक की नजर इन चोरों पर पड़ गई। बस फिर क्या था, साइकिल मालिक ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर पहले तो इन्हें पकड़ा और सजा के रूप में मुर्गा बना दिया। लेकिन इन लोगों का मन सिर्फ इतने से ही नहीं भरा, पहले तो इन चारों को खुले मैदान में मुर्गा बनाया गया और फिर डंडे से इनकी पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल यहां भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। आरोप है कि कुछ चोर चोरी करने के इरादे से यहां पहुंचे थे, लेकिन चोरी करने से पहले ही इन सब को सजा भुगतनी पड़ गई। लेकिन मामला उस वक्त उल्टा पड़ गया जब चोरी के आरोप में मुर्गा बनाए गए युवक के पिता ने बेटे पर लगे आरोपों को नकारते हुए दूसरे पक्ष पर आरोप लगा दिए। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी सर, एक दिन पहले यहाँ पर 5 तारीख को यहाँ पर भंडारा था। भंडारे में लोग रात, भंडारे के बाद ये लोग बच्चों को लाए काम करने के बहाने। काम करने के पहले उन्होंने लाने के बाद उनको डंडे से मारा। मारने के बाद इनको लिटा करके पेट में लात घूसो, पीठ में लात घूसो से मारा सर। मारने के बाद इसकी सूचना आपने कहीं दी थी? इसकी सूचना मैंने थाने में दी थी। तो क्या कोई कार्रवाई? कार्रवाई इसकी कोई नहीं। 3 दिन से उसके कल भर एक महिला को बुला करके अपने घर में मारा। बाहर से लोगों को बुलवाया, बुलोरों से बुलवा करके महिला को भी घर में मारा, उसकी भी आते ही कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि इन दबंगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। आस पड़ोस वाले लोगों से भी घटना की जानकारी ली जा रही है। तथ्य सही पाए जाने पर आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमेठी से शरद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।